मैंने देखा है कि कॉलेजेज में किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, ऐसे लोग भी हैं थोड़े। कॉलेजेज में डे मनाते हैं, हैं अलग अलग डे मनाते हैं, आज रोज डे है, कुछ लोगों के विचार इसके विरोधी हैं, इसमें यहां भी बैठे होंगे, मैं इसका विरोधी नहीं। देखिए हमने रोबोट तैयार नहीं करने हैं, हमें क्रिएटिविटी चाहिए, हमारे भीतर का इंसान, हमारी संवेदनाएं उस प्रकट होने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बड़ा कोई जगह नहीं होता है दोस्तों। लेकिन क्या कभी हमें विचार आता है कि हरियाणा की कॉलेज हो और तय करे कि आज तमिल डे मनाएंगे, पंजाब की कॉलेज हो और तय करे कि आज केरल डे मनाएंगे, दो गीत उसके गाएंगे, दो गीत उसके सुनेंगे, उनके जैसा पहनाव पहन करके उस दिन कॉलेज आएंगे, हाथ से चावल खाने की आदत डालेंगे, कॉलेज में कोई मलयालम फिल्म देखेंगे, कोई तमिल फिल्म देखेंगे, वहां से कुछ नौजवानों को बुलाएंगे, भाई तुम्हारे तमिल के अंदर गांव में कैसे खेल खेले जाते हैं, आओ खेलते हैं। मुझे बताइए डे मनेगा कि नहीं मनेगा, वो डे प्रोडक्टिव होगा कि नहीं होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें विविधता, आप लोग तो बहुत नारा भी बोलते हैं विविधता में एकता को लेकर के, लेकिन क्या इस विविधता का गौरव जीने का प्रयास हम करते हैं क्या? जब तक हम हिंदुस्तान में हमारे हर राज्य के प्रति गौरव का भाव पैदा नहीं करेंगे, हर भाषा के प्रति गौरव का पैदा भाव नहीं करेंगे। मुझे याद है अभी मुझे तमिल यूनिवर्सिटी के तमिलनाडु के नौजवान ऊपर आए, मैंने वणक्कम कहा, एकदम से खुश हो गए, वो एकदम छू गया उनको, ये अपने हैं। क्या हमें मन नहीं करता है कि हम ऐसा माहौल बनाए हमारी यूनिवर्सिटी में, ऐसे भी तो डे मनाए? क्या कभी नहीं लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिख गुरुओं का डे मना करके पंजाब के सिख गुरुओं ने क्या त्याग तपस्या बलिदान किए थे, देखे तो सही, या सिर्फ भांगड़े से अटक जाएंगे क्या? परोठा और भांगड़ा यानी पंजाब आ गया क्या? उससे भी बहुत आगे। और इसलिए हम कुछ करें तो उसमें देखिए क्रिएटिविटी के बिना जिंदगी नहीं है दोस्तों। हम रोबोट नहीं बन सकते, हमारे भीतर का इंसान हर पल उजागर होते रहना चाहिए, लेकिन वो करें जिससे देश की ताकत बढ़े, देश का सामर्थ्य बढ़े और देश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो।